बीच में कहा गया था इंट्रा और इंटर दोनों। आगे का लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसको कहेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस का भी, बॉन्ड का बी, और थ्योरी का टी, तो शॉर्ट में क्या कहेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्ड का रियल लेक्चर जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एक ही लेक्चर में केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और बॉन्ड की जो मोलेकुलरिटी है, बॉन्ड का जो नेचर है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, सब इसी लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या है? संयोजकता बंध सिद्धांत। बंधन बनने के, केमिकल बॉन्ड तो पहले बना था, लेकिन बॉन्ड बनने का वास्तविक कारण पहले तुमको पता नहीं ना था, अब बॉन्ड बनने के वास्तविक कारण हमको पता चलेगा कि वैलेंस बॉन्ड बनते कैसे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने बनाया था, पॉलिंग और स्लेटर। पॉलिंग और स्लेटर दो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग और स्लेटर, दोनों अमेरिका के साइंटिस्ट। कौन कौन? पॉलिंग। कौन कौन? पॉलिंग, और दूसरा थे स्लेटर। पॉलिंग और स्लेटर ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बनाया था। कब बनाया था ये तो तुमको पता ही होगा, क्यों अमेरिका कभी ना गए होगा, ना गए हो? पॉलिंग और स्लेटर के साथ युद्ध में ना गया था तुम लोग? गया था, कौन गया था रे? अच्छा हाँ, तू गया होगा। पॉलिंग और स्लेटर कहाँ के हैं? अमेरिका के, और दोनों ही ग्रेट साइंटिस्ट है। 1927 में पॉलिंग और स्लेटर ने सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बनाया। बनाया तो था बिल्कुल सही, लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरह एक्सप्लेन इन लोगों ने नहीं किया। तो दो साइंटिस्ट और आए, तो कौन और कौन? तो बोल कौन और कौन है? पॉलिंग और स्लेटर के अलावा इसमें दो और वैज्ञानिक थे, हिटलर और लंदन। हिटलर और पहले कॉन्सेप्ट हिटलर और लंदन ने दिया था, बाद का कॉन्सेप्ट पॉलिंग और स्लेटर ने दिया था। सही है, तो पहले का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हिटलर और लंदन। हिटलर और लंदन ने दो पहले साइंटिस्ट जो थे पहले उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने उसका विस्तृत रूप जब नहीं बनाया तो पॉलिंग और स्लेटर ने उसको विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया था। अब क्या था बॉन्ड बनने का सिद्धांत? इंटरेस्टिंग है ना? अच्छा देखो, पढ़ने से पहले जान गया इंटरेस्टिंग है। चल बात ना करो, बॉन्ड बनने के संदर्भ में बॉन्ड बनने का रियल कारण क्या था? कोई एटम, मान लिया जाए कोई एटम है, कोई एटम, दूसरा कोई एटम, दो एटम है, कोई दो एटम ले सकते हो, ये दोनों एटम। एटम की टेंडेंसी बिल्कुल आदमी की तरह होती है, वो भी आदमी की तरह होती ना है, आदमी की तरह समझ सकते हो। सही है, तो ये एक एटम है। क्या है? एटम। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, बोल, और दूसरे में ना होगा? दूसरे में भी होगा। और न्यूक्लियस क्या होता है? प्लस होगा, प्लस प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में,
अब बताओ प्लस प्लस को खींचेगा कि ढकेलेगा? ढकेलेगा ना। दो जब एटम बॉन्ड बनाना, अगर दो एटमों को जब पहले बॉन्ड बनाना होगा तो बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो उन दोनों को पास आना होगा, बिल्कुल रे। अब जब बॉन्ड बनाना होगा, अब शादी ब्याह में जन बा दूल्हा दुल्हन एक जगह ना रहेंगे तो जय माला वो जिसे फेंक दी घर से पास आएगा ना रे। अच्छा रे, अब एक बार तुम लोग आने जो उससे पीछे आ रे। तो ये एक एटम है, एटम है इस एटम का, अब तुम लोग ज्यादा ही समझ रहे का। ये एटम, इसका यह न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को ढकेलेगा, बोल ढकेलेगा कि ना? प्लस प्लस को ढकेलेगा ना। अच्छा, पक्ष में क्या रहता है बेटा? कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलो ये कक्ष है, इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस होगा, ये इस पर भी इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा ना। अभी बताओ कक्ष कक्ष को ढकेलेगा कि खींचेगा? ढकेलेगा, क्योंकि इस पर भी क्या चार्ज है, इस पर भी, तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा। फरका फरका ला, एगो फरका फरका ला है बीच में। कक्ष कक्ष के बीच कौन सा बल लगेगा बताओ? विकर्षण का, क्योंकि दोनों में माइनस है। नाभिक नाभिक के बीच कौन सा बल लगेगा? ठीक है, अब इसके कारण दोनों एटम तो रहेंगे दूर दूर, तो बॉन्ड तो बनेगा ना, बनने ना बनेगा, नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के रियल कारण पर आएंगे। अभी पहले देखो कि दोनों नाभिक के बीच में प्लस प्लस रिपल्सन फोर्स लगेगा, बार बार दूर दूर रहेगा। दोनों कक्ष पर माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से दोनों एटम दूर दूर रहेगा कि ना? तो बंधन बनने का तो सिद्धांत नहीं है कि जब दोनों एटम सर पास ही नहीं आएंगे तो बंधन बनेगा कैसे, नहीं ना। तो दो गो वैज्ञानिक था, हिटलर और लंदन, उनकी कंसेप्ट बता रहे हैं, बाद में पॉलीमर इंसुलेटर आएंगे इसमें। हिटलर और उसमें एक है लंदन, उनका कहना क्या है, ये हिटलर का कंसेप्ट है। अब लंदन कहते हैं, ध्यान से सुनना, लंदन भी गया होगा, लंदन जगह का नाम नहीं है। अबे लंदन यहाँ कौन है, साइंटिस्ट है? हाँ, तो साइंटिस्ट का कंसेप्ट है। यह प्लस, इस प्लस को तो ढकेल रहा है, बोल, लेकिन यह नाभिक, ये वाला नाभिक, ये वाला नाभिक, ये वाला नाभिक, इस परमाणु का नाभिक, इस परमाणु का नाभिक इसके कक्ष को खींचेगा कि ढकेलेगा बताओ? खींचेगा, बोल, तो ये खींचेगा, खींचेगा। पहले तो ढकेला ढकेली हो रहा था, खींचा। अब इसका प्लस छोड़ेगा, इसको खींचेगा कि ना? तो इसका प्लस इसको अपनी ओर खींचा, माइनस को, नाभिक किसको खींचेगा बेटा? अरे नाभिक को किस, नाभिक किसको खींचेगा? नाभिक, नाभिक को ढकेला था, लेकिन कक्ष को क्या करेगा, खींचेगा, तो किसमें तो माइनस। अब इसका नाभिक इसके कक्ष को खींचेगा कि ना? अब नीट क्या होता है, ये नाभिक इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। इसमें होता यह है कि आकर्षण का बल, आकर्षण माने अट्रैक्शन का फोर्स, खींचने वाला बल कौन सा बल, खींचने वाला बल कौन सा बल, यह है आकर्षण का बल, कौन सा, आकर्षण का बल, अट्रैक्शन का फोर्स। अच्छा, ढकेलने वाला बल ही कौन बल होगा, विकर्षण का बल, सही है। पहले जब दो एटम आएंगे पास पास तो पहले दूर दूर भागता है, फिल्म देखा है, रोमांटिक सीन होता है तो हीरो हीरोइन जन बा गाना उना में पास आता है तो पहले दूर भाग,
बाबू कुटेंगे, दोनों टम दुर्भक्त है। आप कबो देखना हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ के खींचता है, तो इन दोनों में रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों चिपक लेना रहेगा। कौन सा बल ज्यादा लगेगा? आकर्षण का। धकेल रहा है, खींच रहा है। आकर्षण का बल इस कंडीशन में विकर्षण बल को पार कर जाता है। भागना चाहेगा, भागेगा ना। एक एटम को ढकेल रहा है, लेकिन एक एटम को अट्रैक्ट भी कर रहा है। नाभिक कक्ष को क्या कर रहा है? खींच रहा है। उस कंडीशन में कौन ज्यादा बरियार पड़ेगा? अब आकर्षण का बल जो है जब अधिक हो जाता है तब दोनों एटम पास में आते हैं। समझ में आया? किसके वजह से आया? विकर्षण के वजह से तो दूर भाग रहा था, आकर्षण का बल उसको क्या किया? हाँ, पास तो आने लगे जरा जरा। देख लिया बाबू? रे तो पास आएगा। तो पास आने पर एक चीज होता है, दोनों एटम अपनी पोटेंशियल जो एनर्जी होती है इस पूरे सिस्टम की, जिस सिस्टम में दोनों एटम है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। जब दोनों एटम पास में आएंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दोनों एटम की बिल्कुल कमजोर हो जाती है। मतलब क्या होगा? उस कंडीशन में जब दोनों पास रहेगा तो दोनों को पता ही ना रहेगा कि हम कर का रहे हैं। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है और इस वजह से दोनों एटम के जो वैलेंसी सेल होते हैं उनके ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे में समा जाते हैं। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। यही पॉलिंग और एस्लेटर ने बाद में इसमें जोड़ दिया था। तो जब अट्रैक्शन फोर्स से दोनों एटम पास में आएंगे तो पास में आने पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी। मतलब दोनों एटम को यह पता नहीं रहेगा कि हम कर का रहे हैं। दोनों की बैलेंसी सेल एक दूसरे में आपस में समा जाएगा, आपस में समा जाएगा। और जैसे दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे में आपस में समाएंगे उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल का एक दूसरे में समा जाना कहलाता है ओवरलैपिंग। जब ऑर्बिटल एक दूसरे में समाएंगे तो वहां पर दोनों एटमों के ऑनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिटल तो एक दूसरे में समा जाएगा, अब उस एटम के बाहरी कक्ष में जितने ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। और जैसे केमिकल बॉन्ड बनाएंगे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ेगी तो दोनों एटम जो है अलग अलग हो जाएगा। कब अलग अलग होगा? पास में आया, पूरा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो गई, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने जाता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब दोनों एटम एक दूसरे से दूर भागेगा और जब से दूर भागेगा दोनों एटम के बीच बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉन्ड। किस वजह से पास आया था? आकर्षण। किस वजह से दूर जा रहा था? पास में आने पर दोनों एटमों के वैलेंसी सेल के और ऑर्बिटलों के बीच ओवरलैपिंग हुआ और ऑर्बिटल एक दूसरे में समा गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए और बॉन्ड बनाने के बाद सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगी, दोनों एटम दूर दूर हो गए और जिस कारण जो है दोनों एटमों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड बनने के लिए दोनों एटमों का पास आना और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का घटना बिल्कुल जरूरी है। दोनों अगर पास में आ रहा है और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी नहीं घट रही है, दोनों एटम अगर अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? दोनों जब पास में आए ना तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल घट जानी चाहिए। घटेगा दोनों एटम के आउटर मोस्ट सेल के वैलेंसी ऑर्बिटल, वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल जो भी होंगे बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। उदाहरण देखेंगे,
ये बात क्लियर हुआ। नाभिक नाभिक को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, विकर्षित कर रहा था। न्यूक्लियस इसको क्या बोलेंगे, कक्ष सेल। अब उदाहरण अगर हम बात करें बेटा, एक उदाहरण बात करेंगे। पहले हम लोग करते थे फॉर्मेशन ऑफ H2 की और मेशन ऑफ H2 की, तो फॉर्मेशन H2 का होगा तो उसका कंसेप्ट कुछ और होगा। बात कर नहीं, इधर सामने देख, पढ़ाते हैं बोर्ड पर, देखते हैं रोड पर। हाइड्रोजन एक, 1s1 हो गया बेटा। अरे हाइड्रोजन के एक पास एक को इलेक्ट्रॉन है, अब कौन दुनिया कह रहे इसमें 2, गलत बात है। इसमें 2 होता है तो क्या हमेशा भर देगा? अच्छा दूसरे का भी हाइड्रोजन है, 2 गुना हाइड्रोजन है। चलो 1s, पहले जानते हो इलेक्ट्रॉन जो हम कक्ष में रख रहे थे, अब हमेशा उपकक्ष में रहेंगे, सबसेल के अंदर रखेंगे, सही है। चल एस ऑर्बिटल का देखो, इधर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका डिवाइस इन बनता है ओरियंट। चलो अब कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है, इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझेंगे, ठीक है। तो चलो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, एस। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी का कैसा, पी का डंबल होता है। हम एस, चलो यहां देखोगे एस ऑर्बिटल, ये हो गया एक एस ऑर्बिटल, इसको यहां हटाते हैं, यहां देख कौन ऑर्बिटल नीचे चलेगा यहां। चल एक एस ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, बात समझ में जा रही है। एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है, ये वाला एस का ऑर्बिटल हमने बना दिया, ये वाला एस का ऑर्बिटल हमने बना दिया ये, ठीक है। दोनों आपस में मिलेंगे, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे ना, जब सिस्टम एस एच और एच के परमाणु जब पास में आएंगे, दोनों की पोटेंशियल, यही बता रहे थे जानते हो क्या समझ आएगा, बाहरी कक्ष का ऑर्बिटल, और वो भी ऑर्बिटल कौन, जिसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं देखता हूं पेयर है इलेक्ट्रॉन की ऑन पेयर, तो ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, बात भेज में गई। ऑन पेयर्ड है कि ऑन पेयर्ड, तो कौन ऑर्बिटल है बेटा, एस। एस का शेप देखो कैसा बनाया है, एस एस। अब ये दोनों ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग जब करेंगे तो एक दूसरे में समा जाएंगे, ये पहले का ऑर्बिटल हो गया, सही है। अब दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल जो होगा एक दूसरे में है, ऐसे पूरा नहीं होता है, थोड़ा दोनों में अलग अलग रहेगा। अगर हम एक एक ऑर्बिटल की बात करें, सुन रहा है सामने, तो यहां देख ले, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में क्या होंगे, समझेंगे। 3 बार 4 बार फिगर बना रहे हैं, देखना पहले वाला में हमने देखो यहां ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब यहां पहले फाइनली एक चीज समझ लो, ये ऑर्बिटल है, कौन ऑर्बिटल है, ये कौन ऑर्बिटल है, एस। और दोनों के बीच में, दोनों ऑर्बिटल देखो कि दूसरे के बीच में समा गया है, बोल, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में समा है कि ना। ये है, गौर से देखो इसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का बंधन यही बनता है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है एस। तो जब दोनों अनपेयर्ड ऑर्बिट, अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल पास में आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब घट जाएगी तो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में समा जाएंगे, सुना। अब इसमें इसके दोनों के अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन थे, कौन इलेक्ट्रॉन, दोनों यहां मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, और ये ऑर्बिटल बताओ किसका है,
एच का है, ये ऑर्बिटल किसका है, एच का, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन जाएगा और इस प्रकार बन जाता है एच टू। यहां हुआ क्या, ये चीजें समझना, यहां हुआ क्या, शादी ब्याह होता है ना, तो एगो होता है माड़ू, माड़ू देखा है, माड़ू समझ में आता है ना, जहां पर दुल्हा दुल्हन का बंधन बनता है, ज्यादा समझ लिया, हाँ यह है माड़ू, ए माड़ू कहां से दूसरा आ गया रे, इसको कहते हैं, देखो का ये वाला दिख रहा फील्ड, अभी अब तो साइंस पढ़े तो माड़ू मत लिख देना गधा, ओवर लेपेड एरिया, क्या बोलेंगे, ओवर लेपिंग एरिया भी कह सकते हो, ओवर लेपिंग एरिया, यही वो एरिया है जहां पर लास्ट में पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं ना तो दोनों के कपड़वा एक में देखना बांध देते हैं, कौन मारो है, इसको कहते हैं ओवर लेपिंग एरिया, यही जी बिया होता है, देख ले एटम का है जी, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेड है वहां, अब इसके बीच हुआ एटम के अंदर, यहां दोनों अभी एटम क्या है, अनपेड है, पियर्ड होने के समय यहां का प्रोसेस थोड़ा सा देखेंगे, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, और दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहीं पर पियर बनाते हैं, यही इलेक्ट्रॉन का बंधन बनता है, एक किसका ऑर्बिटल था, हाइड्रोजन का, कौन बोलता है एच का रे, एच ऑर्बिटल है किसका है पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का है, एस ऑर्बिटल दोनों के बीच जो है ओवरलैपिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार एच टू बनता है। अब पहले हम लोग कैसे बनाते थे देखे दे, देखता ना है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन है जी, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब पहले टोई 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 हो जाता था, सिंगल बॉन्ड बन जाता था, पहले वाला देख कितना आसान था, अरे कहने देखा रे, पहले बंधन कैसे बनता था, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने कैसे ऐसे अपना, तो बंधन बनने के लिए पहले हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनता है, गलत बात, तब तक की ठीक थे जब तक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं था, तब तक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बन जाता था, ठीक था, दो एटम के ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल भाई, सबसे बाहरी कक्ष का ऑन पेयर्ड वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा तब जाके बंधन बनता है, और पहले हम लोग सीधे सीधे कह देते थे साझेदारी से बंधन बनता है, तब तक बात ठीक थी, लेकिन अब जानेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटलों के अति व्यापन से ओवरलैपिंग से, फिर से बोले हैं क्या, बैलेंसी सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल किसके, बैलेंसी सेल के अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक और एग्जांपल दे, अभी समझ में बॉन्ड कितनी बना था जी, देख ले जी, एस ओवरलैपिंग हुआ है, कौन ओवरलैपिंग हुआ है, एस ओवरलैपिंग, यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग है, एक और एग्जांपल दे रहे हैं ऊपर देख, अब एक और ही सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड का एग्जांपल देंगे, ठीक है, चल, फॉर्मेशन ऑफ सीएल टू चलेगा, चलो समझाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, ऊपर ना दिख रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन,
क्या बेटा? क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, 1s, 2s, 2p, बोल ऊपर दिख रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p, अबे 6 कौन बोला? सटिया गया है। अच्छा, वैलेंसी कक्ष का मतलब हो गया बेटा बाहरी कक्ष, सही है। और बाहरी कक्ष हम ले रहे हैं, देखना ये ना बाहरी कक्ष है तीसरा का, अरे बोलना, भाई पहले का कक्ष है, दूसरे का कक्ष है, कौन है? के है, भाई के है जी, कौन कक्ष? के, भाई कौन कक्ष है? एल, है कौन है? एम, तो एम तीसरे का कक्ष है। अच्छा ठीक बा, अब तीसरे के बताओ पेयर्ड वाला लेना है कि अनपेयर्ड वाला? एस के दोनों इलेक्ट्रॉन, एस में दो गो, इसका मतलब पेयर होगा, कौन लेना है बताओ? तो पी वाला लेंगे ना, तो पी में लेंगे, तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको दिखा रहे हैं बोर्ड पर, देखना भाई 5 है, 3 पी के, 3 एस लेंगे कि ना बता? पेयर्ड है सर ना लेंगे, अब जिसका बिया हो गया उसका बिया थोड़े कराएंगे, तो पहले ही से पेयर में है। अब बताओ 5, पहले ही पता नहीं कि पी में 3 गो डिब्बा बनता है, चल 5 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो चलो इलेक्ट्रॉन रखने का हुंड रोल है बाबू, कौन रोल? पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन जब आता है तो कई गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, काहे सिंगल बॉन्ड बनाता है यार तुमको पता चलेगा, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, सही है। तो कौन क्लोरीन है बेटा? Cl2 में 2 क्लोरीन है, चलो। अच्छा ऑर्बिटल बताओ, ये कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, एस का कि पी का? तो पी का शेप कैसा होता है? डंबेल होता है, अरे पता है ना, पी का शेप सामने देखेंगे। तो डंबेल का जी सही है ना, पी पी ये गो क्लोरीन का कौन ऑर्बिटल है बेटा? पी ऑर्बिटल है, लेकिन हमें जानने की चाहिए कि हमने के दो गो ऑर्बिटल है ना जी, कौन क्लोरीन है बता? एक क्लोरीन का हो गया, दूसरा क्लोरीन का बताएं, ये कौन ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है, एगो ई क्लोरीन का है, एगो ई क्लोरीन का है, इसमें भी एगो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले बता दे कौन ऑर्बिटल हम बोर्ड पर बनाए हैं, पी का शेप कैसा होता है? गोल। अब होगा ये कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल जब पास में आएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, एक दूसरे में समा जाएंगे, तो अब ये जब दोनों एक दूसरे में समाएंगे तो नीचे का प्रोसेस जो होगा, यहां देख ये वाला दोनों ऑर्बिटल, ये वाला एक ऑर्बिटल हो गया, तो सामने ना दिख रहा है दूसरा, दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपस में जब ओवरलैपिंग किया, एक किसका ऑर्बिटल था? फिर बोला पी का, क्लोरीन का है रे स्टूपिड, हम कहते कौची अब हम पूछे किसका ऑर्बिटल है, तो किसका ऑर्बिटल है? क्लोरीन का, और किसका ऑर्बिटल है? ये कौन ऑर्बिटल है? पी, ये कौन ऑर्बिटल है? पी, तो पी पी ओवरलैपिंग हुआ क्लोरीन क्लोरीन के बीच जन बहाइए, देखो ये बॉन्ड बना, बॉन्ड बन गया दोनों के बीच, Cl2 में जनबा एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। अब पहले इस फिगर को भी थोड़ा और बढ़िया समझेंगे, कितने क्लोरीन है पहले बताओ, दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर अब दिखाएंगे, देखना सही है, दिख रहा रे कौन क्लोरीन है? दो को है ना,
कौन सा ओवरलैपिंग हुआ बता, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? पी पी, पहले कौन हुआ था? एस एस। क्लोरीन के लास्ट वाला कक्ष में देख पी है कि एस है, और हाइड्रोजन वाला में क्या था? अब दो क्लोरीन है तो दोनों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं। क्लोरीन 17 वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव इसके थ्री पी फाइव होगा सॉरी थ्री पी फाइव होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक दो तीन चार पाँच, सही है, पांच ही इलेक्ट्रॉन है। पी यहाँ भी एक दो तीन चार पाँच, यहाँ हुआ क्या है? ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे में ओवरलैप हो गए हैं। ये भी थ्री पी है और ये भी थ्री पी है। थ्री पी का है ऑर्बिटल, थ्री पी का ऑर्बिटल, दोनों ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? तो हम जब हाथ रखे तो सुनना, अभी हम उंगली रखे उस डिब्बे को गौर से देखो, देख रहे हो उस वाले डिब्बे का फिगर मैंने यहाँ बनाया है पी ऑर्बिटल। ऊपर वाला डिब्बा को गौर से देख, दिख रहा है उस क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इसके पास भी एगो पी ऑर्बिटल है, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? इस वाले क्लोरीन के पास भी एक पी ऑर्बिटल है, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब कौन सी? एक होना चाहिए। तो दोनों का कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? पी 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 पी, कौन ओवरलैपिंग हुआ? पी पी। ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके क्लोरीन। आप पहले के त्रिभुज था तो वो दिखा दिया जाए, तो क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन होता था, एक दो तीन चार पाँच छ सात, याद बा? एक दो तीन चार पाँच छ सात, यू वाला है पिछला जन्म वाला, बॉन्ड बनने का कंसेप्ट समझ आ रहा है? अब बताओ बॉन्ड किससे बनेगा, कोई पूछे तो? ओवरलैपिंग से। किस बनेगा? लेकिन किस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा? ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग। दूसरा चीज भाई, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा समाजेगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। सुन रहा है? सुन रहा है? ऐसे एगो फेरा होके तो छोड़ के मत भागिया, पूरा ले लियो के बाद भागिया। क्या कहते रे, क्या कह रहा रे, यही तेरे भाग जाएगा, बहुत मारे। एक और एग्जांपल बनता है, एक अब तनी डिफरेंट मॉलिक्यूल वाला ले ले, चल ऊपर देख। फॉर्मेशन ऑफ HCl, क्या बेटा? केमिस्ट्री बड़ी काम की चीज है रे। चल ये कौन हल्ला कर रहा है? हाइड्रोजन के पास, चल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बेटा, 1s1 हो गया। थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, बात एक ही लाइन में, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखना 1s, ठीक है। दूसरा परमाणु क्लोरीन है, क्लोरीन 17 करें, 1s 1s1 हो गए, 2s 2p 3s 3p, अगर सामने ना देखा तो बड़ी कुटेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें ऑन पेयर्ड है कि पेयर्ड है? पी में बताओ 3s बना के 3p, बैलेंस वाला लेना है, बैलेंस में भी ऑन पेयर्ड वाला लेना है, तही में तो पेयर बा, वही में नॉन पेयर बा।
जब तुम सेब बनाओगे ना, सेब, चलो इसको पहले हटा देते, इसको देखो, पांच इलेक्ट्रॉन है ना, बोल, एक दो तीन चार, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड है, और हाइड्रोजन वाला एस बना देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर देखेगा, देख किस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, ऊपर वाला ऑर्बिटल बताओ एस है कि पी, ऊपर वाला ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास तो एस ही होता है, पी तो होता नहीं, तो हाइड्रोजन का कौन ऑर्बिटल एस स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है बताओ, प्लस में कैसा, इधर से बनाते आ रहे हैं, इधर से बनाते आ रहे हैं, यहां से कैसा है बताओ, प्लस, ये किसका है, हाइड्रोजन का, अब क्लोरीन वाला कैसा होगा, डंबेल होगा, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो ये हो गया एस ऑर्बिटल, और इसी में समा जाएगा पी ऑर्बिटल, दोनों का ओवरलैपिंग होगा, इसको ओवरलैपिड एरिया कहेंगे, हाँ मारो, चल ये किसका है बताओ, फिर इसका ना सुधरोगे नहीं, किसका और ये किसका, ऑन ऑर्बिटल एस पी, एस और पी का ओवरलैपिंग हुआ, एच सी एल बने, सुना ओवरलैपिंग समझ में आया, एस एस देखा था, पी पी देखा, एस पी भी देख ले, तो बॉन्ड किससे बना, वैलेंसी सेल के ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, वैलेंसी सेल के ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। अभी सिर्फ एक लाइन पढ़े हो, दे पढ़ने में टोटल एक लाइन अभी पढ़ा है, तो खाली अभी ओवरलैपिंग पढ़ा, सही है, आगे की बात, आगे हो गया, कौन कौन नेट उठ गया रे, देखो उठ गया तुरा कितना।